गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा कश्यप, आई स्टडी इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी इन 10वीं क्लास, आई एम एन आईटी स्टूडेंट। तो आज मेरा ग्रुप आपको प्रेजेंटेशन देने आया है जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसके कितने टाइप्स है। तो मेरे ग्रुप में 4 मेंबर हैं। मेरा नाम आकांक्षा कश्यप है, इनका नाम भूमिका है, इनका नाम चाहत है और इनका नाम प्रिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। The कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज कम्युनिकेट विच मीन्स टू शेयर। कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया, जो वर्ड है वो है कम्युनिकेट, जिसका मीनिंग ही अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। उसके बाद है कि द गिविंग रिसीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन। जो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर रिसीव करना है कम्युनिकेशन आता है, रिसीव के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद है कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी। कम्युनिकेशन के थ्रू हम दूसरे जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में हमें पता चलता है और हमें पता चलता है और उन्हें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। तो कम्युनिकेशन के 3 टाइप होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, जिसके बारे में आपको मेरे ग्रुप मेंबर्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में प्रिया बताएगी। थैंक यू आकांक्षा। माई नेम इज़ प्रिया। मैं आप जैसा कि आपको आकांक्षा ने कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया, तो मैं आपको उस टाइप में से एक टाइप वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों का उपयोग करके हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और इसके दो टाइप होते हैं। एक ओरल वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक रिटन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलकर ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं। और रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, जैसे SMS द्वारा और पत्र द्वारा। अब मैं चाहत को बुलाना चाहूँगी कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताए। थैंक यू प्रिया। जैसा कि आपको प्रिया ने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, तो मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम बिना शब्दों का उपयोग किए कम्युनिकेट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कम्युनिकेशन है। इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है टच में हम किसी से कम्युनिकेट करते समय हाथ हैंडशेक करते हैं या फिर उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो वो टच में आता है। उसके बाद आता है फेशियल एक्सप्रेशन। तो हमारा कम्युनिकेट करते समय कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, या तो हम कभी हैप्पी होते हैं या फिर सैड होते हैं या फिर एंगर होते हैं या फिर सरप्राइज होते हैं, तो वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन में आता है। उसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट, कि हमारा सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट कैसा है। अगर हमारी आंखें कम्युनिकेशन करते समय नीचे होगी तो सामने वाला ये सोचेगा कि ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर हम इधर उधर देखेंगे तो वो सोचेगा कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। और लास्ट आता है पैरा लैंग्वेज, कि हमारे वॉइस की टोन कैसी है, कि हम ज़्यादा लाउड तो नहीं बोल रहे या फिर ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहे, तो वो हमारा पैरा लैंग्वेज में आता है। तो थैंक यू। अब आपको भूमिका विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू चाहत। माय नेम इज़ भूमिका ठाकुर फ्रॉम क्लास प्लस वन एंड आई एम एन IT स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊंगी कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि जो हम किसी साइंस, सिग्नल्स, वीडियोस, इमेजेस एंड पोस्टर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने रोड्स पे देखा होगा कि वहाँ पे कुछ साइंस होते हैं बने हुए, या तो ब्लो हॉर्न होता है और नो स्मोकिंग होता है, नो पेट अलाउड होता है, अंडर CCTV कैमरा होता है, तो वो सभी विजुअल कम्युनिकेशन होता है। थैंक यू। इट मे बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।